गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में क्लास फोर फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोबाइल फोन अहम जरूरत, मोबाइल फोन वीटल नीड। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अक्सर एक खेल खेलते हुए नजर आते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अक्सर एक खेल खेलते हुए नजर आते हैं। लंबे से धागे के दोनों सिरों पर चोंगे जोड़ दिए जाते हैं। ये चोंगे माचिस के खाली डिब्बों से बनाए जाते हैं। उसके बाद वह फोन की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। कभी टिफिन के छोटे डब्बों में छोटे सुराख कर दिए जाते हैं और फिर धागे के जरिए दोनों को जोड़ दिए जाते हैं। इस आवाज को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में काफी मदद मिलती है। इसी उसूल पर टेलीफोन आज से पहले बनाया गया था। इसकी इजाद 1875 में ग्राहम बेल ने की थी। 1875 में मोबाइल फोन टेलीफोन का इजाद ग्राहम बेल ने की थी। उस टेलीफोन में धात के तार का इस्तेमाल किया गया था। आप जगह जगह खंभों पर तार खींचे हुए देखते हों। उसी तार के जरिए आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। टेलीफोन की मशीन पहले संदूक की तरह होती थी। धीरे धीरे इस मशीन की बनावट बदलती गई। पहले बोलने और सुनने के लिए एक ही चोंगा इस्तेमाल किया जाता था। बोलते वक्त उसे मुंह से लगाते थे और सुनते वक्त कान से, बाद में चोंगे को लंबा करके उसी में दो सुराख वाले खांचे बना दिए गए। एक गोल खांचा मुंह के और दूसरा खांचा कान के पास लगा लिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन की दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आती गई। मोबाइल फोन उसी पुराने टेलीफोन की नई शक्ल है। उसे पहली बार तकरीबन 1980 में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था। अब तो इसमें किसी तरह का तार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम बिजली और मकनाती से पैदा होने वाली लहरों से लिया जाने लगा। इस टेलीफोन को आप जहां जाएं ले जा सकते हैं। इस तरह के फोन को मोबाइल फोन कहा जाता है। मोबाइल फोन से बात करने के अलावा और भी कई काम लिए जा सकते हैं। इससे पैगाम भी भेजा जा सकता है। इसे SMS कहते हैं। मोबाइल फोन पर अपनी पसंद के गेम खेल सकते हैं। इसमें अलार्म भी लगा सकते हैं। मोबाइल फोन के बहुत से फायदे हैं। आज तजारत करने वाले इससे बहुत से काम लेते हैं। अपने उस्ताद को कोई भी सवाल SMS के जरिए पूछ सकते हैं और अपने इम्तिहान का नतीजा भी मालूम कर सकते हैं। ऐसा करने से वक्त की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। देखिए, अब ऐसा आप लोग का फोन आ गया है। पहले इस तरह के फोन थे, एक कान से लगाते थे और ये कान से सुनने वाला था और ये बोलने वाला था। ऐसा भी फोन पहले के जमाने में चलता था। अब आप लोगों का ये फोन आया है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फायदों के साथ साथ मोबाइल फोन के नुकसानात भी हैं। हवाई जहाज और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के करीब उसे बंद रखने की हिदायत भी दी जाती है, क्योंकि बर्फ मकनातीस लहरों का टकराव होता है। गाड़ी चलाते हुए भी
कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। बात करते हुए फोन को कान से जरा अलग रखना चाहिए। बहुत करीब रखने से कान के पर्दे खराब हो सकते हैं। बहुत नजदीक रखने से कान के पर्दे क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। उसे बाएं तरफ सीने के पास रखने की बजाय दाएं तरफ रखा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि बाएं तरफ सीने के पास रखने से दिल की बीमारी भी हो सकती है। मोबाइल फोन रखने के तरीके भी हुए हैं। जब आप क्लासरूम में किसी जलसे या इबादतगाह में हो तो उसे बंद करके रखना चाहिए। मोबाइल फोन को अगर आप इबादतगाह में हैं या क्लासरूम में हैं तो उसको स्विच ऑफ करके रखना चाहिए और उसे अपने से अलग रखना चाहिए। सीने के पास रखने से दिल की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों जो भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ उसे आप लोग सुनिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे। तो आप लोग इसको अपने से भी रीड करिए, पढ़िए और समझिए। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आगे कराऊंगी। थैंक यू।